हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नीना और आज मैं बात करने वाली हूं एक ऐसे टॉपिक पर। हुआ क्या कि मैंने वीडियो चला रही थी, मैं देख रही थी और उसकी रिकमेंडेशन लिस्ट में आया कि एक लेडी जो है वो चौक खा रही थी। अब चौक कैसी होती है? इस तरीके की होती है, ये सलेटी, जिसे सलेटी भी बोलते हैं, हम सलेट के ऊपर लिखते थे ना, वही वाली ये चौक होती है। तो ये देखिए, ये मेरे पास एक टुकड़ा बचा हुआ है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरीके की होती है, बाकी आपको मैं फोटो में भी दिखा देती हूँ, आप देख सकते हैं। इस तरीके की चौक होती है जिसे हम अक्सर सलेट के ऊपर लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हुआ क्या कि मेरी रिकमेंडेशन में एक ये वीडियो आई, तो मैंने जब उसे चेक किया तो एक लेडी बहुत सारी सलेट खा रही थी और कटोरे में भिगो करके खा रही थी, कभी डायरेक्टली खा रही थी, बहुत सारी इस तरीके से। मुझे तो ठीक है, फिर मैंने देखा तो उसी वीडियो को जब मैंने ओपन किया तो नीचे देखा तो ढेरों वीडियोस मेरी लिस्ट में दिख रही हैं कि वहां पर चौक खा रहे हैं लोग, ऐसे शौक से खा रहे हैं जैसे पता नहीं क्या खा रहे हूँ, और बहुत सारी सारी खा रहे हैं। ये नहीं कि चलो छोटा सा टुकड़ा ही खा रहे हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, इतनी ज्यादा ज्यादा खा रहे हैं, कटोरे भर भर के खा रहे हैं जैसे कोई खाना खा रहे हूँ। मैंने इतना तो सुना था कि कोई छोटा सा टुकड़ा खा लेते हैं और ये किसी को मन होता हो, लड़कियां जैसे अक्सर खाती रहती हैं, मैंने लड़कों को भी देखा खाते हुए, कईयों को, कई लड़कियां भी खाती हैं छोटे छोटे टुकड़े, लेकिन खाती हैं, ऐसा नहीं कि भर भर के बाउल। मैंने पहली बार देखा और माय गॉड, वो लेडी वुमेन थी और उन्हें अपने परिवार, अपने बच्चों की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, बस उनको खाने में लगी हुई है, खाने में बाउल भर भर के, जैसे वो कोई खाना हो। मुझे बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि मैंने देखा है, मैंने सुना है बहुत बार कि लोग चौक को खाते हैं लेकिन छोटा सा टुकड़ा खा लेते हैं, एक कभी कभार महीने में, हफ्ते में एक बार, या फिर मान लीजिए रोज भी खा रहे पर छोटा सा टुकड़ा खाते हैं, ऐसा नहीं कि बाउल भर भर के। बहुत अजीब सा लगा। फिर मुझे लगा कि मुझे एकदम से याद आ गया कि मेरी जो मम्मी जी, मेरे मम्मी जी जो थे, उनको भी शौक बहुत ही, मतलब हमारे मतलब गांव में, अब मैं आपको कैसे समझाऊं, गांव में ना एक चूल्हे होते थे, कच्चे चूल्हे, जो मैं जब छोटी थी तब मैं देखा करती थी। गांव में एक चूल्हे होते हैं, मिट्टी के कच्चे जो चूल्हे होते हैं, उनके ऊपर ना कुछ सफ़ेद सफ़ेद सा लगा देते हैं, उसको ना हमारे यहाँ पर तो चिकनी मिट्टी बोलते हैं, वाइट कलर की होती है, गोलू भी बोलते हैं हिमाचली में, क्योंकि मैं हिमाचल की हूँ, और चिकनी मिट्टी होती है। तो मेरी मम्मी जी ना वो खाती थी छोटे छोटे टुकड़े उठा उठा के। मैं हमेशा मम्मी को मना करती थी कि मम्मी जी ये क्यों खा रहे हो और नहीं खाना चाहिए, वैसे तो ये कैल्शियम की कमी होती है ना, तब खाने का मन होता है, लेकिन अगर आपको ऐसा महसूस होता है कभी मिट्टी या इस तरीके की चौक वगैरह खाने का मन हो या सलेटी वगैरह का, तो आप डॉक्टर से सलाह करके आप कैल्शियम की टेबलेट खा सकते हैं। तो मैं मम्मी को बहुत सलाह करती थी कि मम्मी जी आप मतलब डॉक्टर को दिखा लो, आपको अगर ऐसे मिट्टी खाने का मन हो रहा है। तो कैल्शियम की दवाइयां भी देते थे डॉक्टर, तो मम्मी वो नहीं खाती थी, कैल्शियम की दवाइयां नहीं खाते थे और वो मिट्टी खाते थे। फिर धीरे धीरे मैंने मम्मी को बहुत टोका, जब तक मैं अनमैरिड थी तब तक तो मैं टोकती रही, उसके बाद मेरी शादी हो गई और उसके बाद मैं तो अपने आ गई और मम्मा तो फिर वहीं। अब मम्मी ने खाना ज़्यादा शुरू कर दिया क्योंकि कोई मना करने वाला था नहीं, और मम्मी मतलब भर भर के इतना इतना ज़्यादा मतलब टुकड़े खा लेते थे, लेकिन उतना नहीं जितना वीडियोज़ में दिखाया जा रहा है कि एक बाउल भर भर के, वैसा नहीं, मम्मी इतना बड़ा टुकड़ा खा लेते थे दिन में, यानी कि इतनी जो सलेटी आपको दिख रही है इतनी खा लेते थे। लेकिन हुआ क्या कि फिर धीरे धीरे मम्मी मेरी कमजोर होने लगी, उनका रंग पीला पड़ने लगा, और ये एक रियल स्टोरी है। मैं ये नहीं कि आपको ऐसी बता रही हूँ, आपको मोटिवेशनल के लिए बता रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल रियल स्टोरी है। क्या हुआ कि मैं हिमाचल गई और साल बाद जब मैं हिमाचल गई तो मैंने देखा तो मम्मी का रंग बिल्कुल पीला पड़ा हुआ है और ऐसे लग रहा है जैसे बहुत से कमजोर भी हो गए हैं। तो मैं मम्मी को बोलने लगी कि मम्मी आप इतने कमजोर क्यों हो गए, चलो आपको डॉक्टर को दिखाना है। धीरे धीरे मम्मा इग्नोर करती रही, मम्मी ने बोला कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, और इग्नोर करते रहे और इस मिट्टी को कंटिन्यू खाते रहे। और एक दिन ऐसा टाइम आ गया, अभी मम्मी 50 साल के भी नहीं हुए थे, पर ऐसा टाइम आ गया कि मम्मी बिल्कुल बीमार से रहने लगे। फिर मैंने यहाँ पर आकर के मम्मा का ट्रीटमेंट कराया, दिखाया मम्मी को, तो उनके गले में यहाँ फूड पाइप में बहुत ही ज़्यादा ऐसे इतना बड़ा जैसे वो परत, मुझे लगता है कि यही जमता रहा होगा, तो जमता रहा जमता रहा जमता रहा, जमता जमते वो कम से कम इतना बड़ा पत्थर जैसा बन गया था।
कई चीजें, कई तो निकल जाते होंगे खाने या पानी के जरिए, लेकिन कई जो है वो अटकता रहा अटकता रहा और मम्मा की फूड पाइप में इस तरीके से स्टोन सा बन गया था, एक पत्थर जैसा। फिर मम्मी की एंडोस्कोपी हुई, उसमें देखा तो उसमें वो पत्थर निकला, फूड पाइप में फंसा हुआ, जैसे तैसे निकाला उसको। और उसके बाद फिर मेरे मम्मी जो है वो ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाई क्योंकि खून की कमी भी हो गई थी और वो फिर मतलब एक्सपायर हो गई। देखिए तो मैं यही कहती हूँ कि जो भी मैंने जो वीडियोज़ में देखा है लेडी खा रही थी, तो उनको नहीं खाना चाहिए, उन्हें अपने परिवार अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि अगर वो खा रही हैं, क्यों खा रही हैं, खाना खाओ। अगर आपको मन हो रहा है मिट्टी खाने का तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करो, कैल्शियम की टैबलेट खाओ, लेकिन इस तरीके से ये चीज़ें मत खाओ। ये कोई खाने की चीज़ नहीं है, जिस चीज़ के लिए भगवान ने जो चीज़ बनाई है उसे उसी तक रहने दीजिए। अगर भगवान ने आपके खाने के लिए भोजन बनाया है तो प्लीज़ आप भोजन खाइए, इन चीज़ों को मत खाइए। अगर आपको ऐसी मिट्टी या चिकनी मिट्टी या फिर इस तरीके की सलेटी वगैरह खाने का मन होता हो तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके आप कैल्शियम की कमी है आपके अंदर उसे पूरा करें, कैल्शियम की टैबलेट खाएँ, कैल्शियम से रिलेटेड खाना खाएं जिसमें बहुत सारा कैल्शियम हो, फाइबर हो, इस तरीके की चीज़ें खाएं। पर ये चिकनी मिट्टी बिल्कुल भी ना खाएं, ये बहुत ही हार्मफुल है। अगर आप अपने परिवार अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहते हैं, अपने बच्चों पर बोझ नहीं बनना चाहते हैं और अपने बच्चों को ज़िंदगी भर के लिए दुखी नहीं रखना चाहते हैं, तो आप अपनी सेहत का ध्यान रखें। और जो आज के यंग एज वाले लोग हैं, जो मैंने देखा है लड़कियां भी बहुत सारी, लड़के भी खा रहे हैं, ये ऐसे जैसे पता नहीं पिज़्ज़ा बर्गर हो, पता नहीं क्या ऐसे खा रहे हैं जैसे पता नहीं वो कोई रेसिपी हो, उसे बस ऐसे इंजॉय कर रहे हैं। पता नहीं क्यों खा रहे हैं इतने इतने बाउल भर भर के, मत खाइए प्लीज़। अपनी सेहत का ध्यान रखिए। यंग एज वाले बच्चों, यंग जनरेशन को भी मैं बहुत देख रही हूँ, मैंने जो वीडियोस में देखा है तो नोटिफिकेशन में बहुत सारी ऐसी आए हैं, तो प्लीज़ अपने आप को नुकसान मत करिए। ये कोई खाने की चीज़ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक स्लेट और पेंसिल का ही लिखने का काम करती है स्लेट के ऊपर, तो उसे उसी तक सीमित रहने दीजिए। और हाँ, जब मैंने देखा कि सलेटी की वीडियो आ रही है ना, तो साथ ही साथ में मैंने देखा लोग दीपक, जो मिट्टी के दीपक होते हैं, दिए जिनके ऊपर हम जलाते हैं दिवाली के दिन, वो लोग भी को खा रहे हैं, पता नहीं उसको भी तोड़ तोड़ के खा रहे हैं। प्लीज़ मत कीजिए ऐसा, वो खाने की चीज़ें नहीं हैं। भगवान ने खाना बनाया है उसे खाइए और इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए प्लीज़। इन चीज़ों से आपको नुकसान ही होने वाला है, आपको कहीं फ़ायदा नहीं होने वाला है, तो मत खाइए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शेयर करने का मतलब मेरा सिर्फ एक ही था कि जो भी ये चौक या सलेट या फिर दीपक के जो दीपक हैं कच्चे वाले मिट्टी के, उनको अगर खाते हैं तो प्लीज़ ना खाएं और अपने परिवार अपने बच्चों का ध्यान रखें, उनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ ना करें, क्योंकि अगर आप नहीं हैं तो उनका फ्यूचर कैसे ब्राइट हो सकता है। तो प्लीज़ आप अपना ध्यान रखिए, जो भी ये खा रहे हैं या फिर बच्चे हैं तो वो भी अपना ध्यान रखिए, ताकि वो आगे जाकर के अपना घर परिवार और अपने शरीर को तंदुरुस्त रख पाएं। तो वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो भी इसके शौकीन हो तो हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद वो हल्का सा उन्हें महसूस हो कि इस वाक्य में वो लोग गलत हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।